guess I just wanna go, go, go to the deep end. Hello दोस्तों, टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। दिन भर आपको टेक्नोलॉजी की न्यूज देता हूं, मतलब डेली टेक फील्ड में क्या हुआ उसके बारे में आपको पता चलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगता है और वो सारा प्यार आपका कमेंट में और लाइक के द्वारा पता चल जाता है। आज दोस्तों एक नॉन टेक चीज आपको फाइंड करनी है इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, कोई गैजेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ छोड़ो, हिंट भी मेरा इतना इजी है ना। क्या तो इस पर मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी अच्छी प्राइस पर अच्छी चीज आपको मिलेगी अलग अलग अवतार में। इस पर एक वीडियो बनेगा, आप जरूर से स्टे ट्यून करना, लेकिन कमेंट में गेस करके बताना आपने क्या देखा। खैर दोस्तों, हमारे पास दो और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में अच्छी चीजें, इसकी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। और कल के पोल की बात करें तो मैंने आपसे पूछा था फ्लिपकार्ट और अमेजोन का जो भी सेल आने वाला है तो क्या आप कुछ प्लानिंग करें परचेस करने की। बहुत सारे ऑप्शन दिया था मैंने, 176,000 लोगों ने वोट डाला और 56% लोगों ने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं हमें। और बहुत सारे ऐसे लोग थे, 29% लोगों ने कहा हम फोन परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें और भी थी। खैर दोस्तों, हमने Realme Narzo 20 Pro का फुल रिव्यू किया है, न्यू स्टाइल हमने अभी रिव्यू शुरू किया है, अनबॉक्सिंग में भी न्यू स्टाइल में करेंगे, टाइम स्टैम्प वगैरह सब आएगा। तो अगर आपको पसंद आ रही है वो वीडियो तो मुझे बताना उस वीडियो में और जरूर से जाके उस वीडियो को देखना। गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूं, लाइक बढ़ा दीजिए दोस्तों और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स इंडिया में दोस्तों 4 अक्टूबर को अपने Hot 10 को लॉन्च करेगा। जी हाँ, Hot 9 के बाद अभी Hot 10 आएगा। हाल ही में ये पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, अब इंडिया में भी आएगा। इंडिया में दोस्तों आपको 128 GB स्टोरेज मिलेगी इस फोन में, हीलियम G70 होगा और पंच होल आपको डिस्प्ले मिलेगी, मतलब अच्छी चीज है दोस्तों अभी तक तो फिलहाल के लिए। और प्राइस बहुत एग्रेसिव होगी ऐसा भी यहां पर बताया जा रहा है। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं इस फोन के लिए, और अगर इन केस 10,000 के रेंज में आ जाता दोस्तों फिर तो अच्छी बात है। देखते दोस्तों, 4 अक्टूबर को अनबॉक्सिंग तो आपको मिलेगी मेरे चैनल पर, संडे आ रहा है ना, हाँ दोपहर के 12 बजे आपको इसकी अनबॉक्सिंग दे देंगे। हुआ नहीं हुआ? अच्छा, ये अमेरिका में इंडिया में टाइम लगेगा। खैर, अमेज़न ने दोस्तों यूएस के अंदर एक न्यू बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम अनवील कर दिया है और इस मशीन का नाम है अमेज़न वन। ये अभी हाल ही में वो उनकी जो रिटेल स्टोर है वहां पर, अमेज़न गो, वहां पर इसको लगाया जाएगा, जहां पर दोस्तों इसमें पाम रिकग्निशन सिस्टम है, मतलब अगर किसी को भी पेमेंट करना है तो इस मशीन के ऊपर सिर्फ हाथ को ऐसे ऐसे करना है, उसमें विजन टेक्नोलॉजी है, वो हाथों का जो इमेज है उसको कैप्चर करेगा और डायरेक्टली वो पेमेंट करेगा, पर्सन को रिकॉग्नाइज करेगा। बहुत सारे उसमें फीचर्स आपको अलग से मिलेंगे और अमेज़न ने कहा है सिर्फ हमारे स्टोर में ही नहीं लगेगा बल्कि स्टेडियम में या दूसरी जो भी ऑफिसेस वगैरह है एम्प्लॉइज के लिए वहां पर भी इसको लगाया जा सकता है। इमेजिन दोस्तों, खाली हाथों को ऐसे हिलाओ और वो रिकॉग्नाइज करेगा और पेमेंट तुरंत आपका प्रोसेस कर देगा। बस डर लगता है दोस्तों, उसमें सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, वरना पता चला बच्चे शॉपिंग करने जा रहे पेरेंट्स के साथ में और पेरेंट बच्चे को मारने के लिए गई, इधर आ ये मारेगा तेरे को, मशीन पर हाथ फिर गया, हो गया सब। Samsung Galaxy Watch 3, मैं सुबह से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, ऑनेस्टली बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस हुआ मेरा अभी तक का। हम मानते प्रीमियम प्राइस टैग है लेकिन चीज़ बहुत ही बढ़िया है, तो मैं 4-5 दिन इसका इस्तेमाल करूँगा, देखूंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस है, सैटरडे के दिन शेयर करूंगा, इसका गिव अवे भी करने वाला हूँ, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। सारी कंपनीज अपने अपने स्मार्ट टीवीज को लॉन्च कर रही है तो ओप्पो कैसे पीछे हटेगा। चाइना के अंदर अगले महीने ओप्पो अपना प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्ट टीवी लॉन्च कर रहा है, ये 4K 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा, इसमें पॉपअप कैमरा होगा, बेजल्स भी काफी नैरो होंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। बताया जा रहा है कि ये जो टीवी है जो चाइना में अगले महीने जाएगा हमें इंडिया में भी जो वो देखने को मिलेगा। अब फ्यूचर में मुझे लगता है कि इसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि ले तो किसका ले, स्मार्ट टीवी ठरकियों। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच जो मामला हुआ है और अभी भी हो रहा है उसके बाद भी बहुत सारे चाइनीज स्मार्टफोन्स इंडिया में सोल्ड हुए, ये फैक्ट है। बात यह कि लोगों को जब फोन परचेस करना था तो कोई और फोन उनको नहीं नजर आए, उस प्राइस पर वैल्यू फॉर मनी फोन्स थे वो चाइनीज फोन्स थे, क्या करें। उसके बीच हमने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी कि भाई इंडियन कंपनीज कुछ कर दे, माइक्रोमैक्स वाले आए, बड़ी बड़ी बात की है, निकल लिए। लावा वाले ने एक फोन लॉन्च किया Z66, लेकिन उसमें मजा नहीं आया इतना तो लोगों ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब लावा ऐसा बताया जा रहा है कि नवंबर में इंडिया में 5 फोन्स लॉन्च करेंगे और इनकी प्राइस 10,000 के नीचे होगी। मैं बहुत खुश हूं, हम हमेशा से एक्साइटेड रहते कि इंडियन कंपनी कुछ करे और हम उनको सपोर्ट करें। अगर इसमें भी दोस्तों कुछ दम नहीं हुआ प्रोसेसर वगैरह में तो मजा नहीं आएगा। देखिए, सैमसंग के भी कुछ फोन्स आए एक्सिनोस के साथ में, हमने हमेशा बोला
प्रोसेसर ठीक है, ओप्पो का भी F17 मैंने बोला प्राइस के हिसाब से ज्यादा है, तो ऐसा भी हमें इंडियन कंपनी के बारे में बोलना पड़ जाता है, क्योंकि चाइनीज कंपनी कुछ फोन्स ऐसे लॉन्च करती है जहां पर हम नहीं बोलते प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि वो फोन्स कभी कभी अच्छी प्राइस पर अच्छे प्रोसेसर दे देते हैं। सीरियस हो गए, डोंट वरी, हंसा देता हूं। अगर लावा कुछ नहीं करता है तो फिर से लावा का OnePlus 8T ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया दोस्तों कि इसमें आपको Android 11 मिलेगा, Oxygen OS 11 आउट द बॉक्स होगा, तो ये एक चीज आपको इसमें पहले अच्छी मिल जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों, OnePlus 8T में जो कैमरा होगा रियर प्राइमरी वो 48 मेगापिक्सल का होगा, इसमें Sony IMX586 सेंसर होगा वही सेम जो OnePlus 8 में था, और सेल्फी 16 मेगापिक्सल की IMX471 वही सेम OnePlus 8 में था, तो कैमरे के मामले में वैसे लग रहा है कि कोई चेंजेस यहां पर नहीं होगा। साथ में पीट लाओ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इस साल तो OnePlus 8T Pro आपको नहीं मिलेगा, मे बी अगले साल आएगा, या उन्होंने ऐसी बातें भी कही है कि जरूरत नहीं है उस फोन को लाने के लिए, जो OnePlus 8T आएगा वो ज्यादा आपकी कमियों को पूरी कर देगा, ऐसा उन्होंने हिंट दिया है। तो ये सारी खबरें यहां पर निकल कर आई है। खैर देखते हैं दोस्तों, OnePlus 8T 14 अक्टूबर को क्या प्राइस पर आता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, जब होगा और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे Realme की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और सबसे पहले दोस्तों Realme X7, हाल ही में दोस्तों Realme X7, X7 Pro चाइना में लॉन्च हुए थे, MediaTek Dimensity वाले इनमें प्रोसेसर थे। अभी रिसेंट एपिसोड जो था आस्क माधव का, माधव शेठ जी ने ऐसा बताया कि हम इंडिया में अगर लोग चाहते हैं तो Realme X7 को लॉन्च कर सकते हैं, नेकी और पूछ पूछ, अरे मैं कब से बोल रहे कर दो, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि हम MediaTek Dimensity वाले जो प्रोसेसर वाले फोन से वो भी लाने की यहां पर प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो X7 उसमें वही है उसको ही आप यहां पर लॉन्च कर दे, तो ऐसा उन्होंने हिंट दे दिया कि भाई हां हम Realme का एक नया फोन लॉन्च कर सकते हैं जो X7 हो सकता है, जिसमें MediaTek Dimensity वाला प्रोसेसर होगा, और हमें इस साल बहुत ही जल्दी ये देखने को मिल सकता है। वाह, दिल खुश कर दिया आपने, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मे बी इस साल के पहले आपको ये नया फोन Realme का इंडिया में देखने को मिल सकता है। साथ में दोस्तों Realme का नया RMX2173 ये जो फोन है ये Antutu पर लिस्ट हो गया दोस्तों, मुकुल शर्मा ने इस पर ट्वीट किया था, जिसका Antutu स्कोर 500,000 से ज्यादा दिखा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि Realme का Q2 हो सकता है जो चाइना में लॉन्च होगा, इसमें MediaTek Dimensity वाला प्रोसेसर हो सकता है, ये स्कोर वैसे ही मुझे यहां पर लग रहे हैं। खैर ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है कि ये कौन सा फोन है, लेकिन 7 तारीख को Realme धमाल करेगा, बहुत सारी अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है। इंडिया के अंदर दोस्तों Vivo का जो V20 है ये बहुत ही जल्दी अब लॉन्च होने वाला है, क्योंकि Flipkart पर इसका लैंडिंग पेज आ चुका है, और इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि इसका प्राइस गैप भी उन्होंने बता दिया, 20,000 और 30,000 के बीच में ये फोन होगा, और मुझे लग रहा था वैसे ही होगा, और बहुत ही ज्यादा स्लिम होगा ये भी उन्होंने बता दिया है, मतलब बस अभी ऑफिशियल डेट आ जाएगी और बहुत ही जल्दी ये फोन लॉन्च हो जाएगा। इसमें दोस्तों सेल्फी कमाल की होगी, 44 मेगापिक्सल की, और स्नैपड्रैगन 720G वगैरह लगा होगा। देखते हैं दोस्तों और कौन से फोन इसके साथ में आते हैं, कौन से दिन होता है, और क्या प्राइस पर होता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हाल ही में दोस्तों Xiaomi ने अपने इतने सारे IoT प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया, तो उसका छोटा बच्चा Redmi कैसे पीछे हट सकता है। Redmi का जो बीट ड्रॉप ये वाले जो ईयरफोन्स है ये 7 अक्टूबर को आएंगे, लॉन्च डेट आ गई है सामने, पोस्ट वगैरह कर दिए मन्नू कुमार जैन ने। अब देखते हैं क्या प्राइस पर आते हैं, क्या नया इसमें होता है, ये तो हमें 7 तारीख को जब अनबॉक्सिंग करूंगा ना आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। फाइनली दोस्तों Jio Orbic या Reliance Orbic, पता नहीं किस नाम से ये फोन्स आएंगे, लेकिन अब दोस्तों Google Play Console पर ये वाला फोन लिस्ट हो चुका है। जी हाँ, इसमें HD Plus की डिस्प्ले दिखाई दे रही है, और साथ में Snapdragon 215 वाला प्रोसेसर है, और ये ऑब्वियसली 5G नहीं होगा, ये 4G होगा, और देख के ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मे बी आपको 3,000 के आसपास ये फोन देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है 4,000 या 3,000 में भी स्मार्टफोन होगा, और ये 4G वेरिएंट मुझे लगता है, मे बी 5G वाला भी होगा शायद से, जो बाद में आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनली Jio का जो Orbic वाले फोन्स थे वो लिस्ट हुए थे पहले नाम के साथ, अब स्पेक्स वगैरह भी थोड़ी बाहर निकल कर आ गई है। हाँ, ऐसा देख के लग रहा है कि यार उतना घटिया प्रोसेसर है ठीक है, लेकिन प्राइस भी आपको वैसी ही मिलेगी जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है दोस्तों, आप एक्साइटेड हैं Jio के न्यू फोन्स के लिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गूगल का जो डीप माइंड AI है ये जो लिप रीडिंग होती है ना, जो प्रोफेशनल लिप रीडर होते हैं ना, उससे भी बेटर और एक्यूरेट तरीके से ना आपके लिप रीड कर सकता है। इमेजिन एक मशीन, हाँ मानते हैं मशीन बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। तो आज की रिंग यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की रिंग पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करना, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।